गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज संडे नहीं है, आज सैटरडे है और मैं अकेले ही निकल गया क्योंकि ये बाइक जो है नया लिया है मैंने और पहली बार डिलीवरी के बाद निकाल रहा हूँ। हालांकि एक दिन और मैंने निकाला था थोड़े देर के लिए, तो 10-15 किलोमीटर चलाया था, लेकिन आज मैं अकेले ही निकल गया सैटरडे। मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक राइड ले ले। मुझे 6 बजे के आसपास निकलना था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मन नहीं कर रहा था उठने का। तो अभी जो फ़िलहाल टाइम हो रहा है 7:07 हो गया है, मैं 7 बजे घर से निकला था। और आज भी आप देखो सैटरडे है लेकिन बहुत सारे स्कूल बसेस दिख रहे हैं, तो स्कूल वगैरह काफ़ी खुला है। सैटरडे को भी खुला रहता है काफ़ी, पता नहीं, सैटरडे को तो वैसे बंद होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्कूल खुले हैं। आप देखो बसेस बहुत सारे चल रहे हैं, स्कूल बसेस। तो आज मैं ऐसे ही थोड़ा सा एक छोटा सा राइड के लिए निकल गया अकेले ही। कल जाऊंगा संडे राइड पे और देखते हैं, आज कुछ नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक जो मुंबई एक्सप्रेसवे है वो बन चुका है, उसके नीचे नीचे मैं आज जाने की कोशिश करूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा। आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो आगे से ही मुझे लेफ़्ट लेना पड़ेगा। सामने ही है मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो नया बन रहा है। ये फरीदाबाद वाला स्ट्रेच जो है अभी तक खुला नहीं है, मतलब चालू हो गया है लेकिन प्रॉपर तरीके से चालू नहीं हुआ है। बाकी आगे तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, आगे देखूंगा कि मैं कहीं से उठ पाता हूं कि नहीं। अगर चढ़ जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आज मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ना सामने फ्लाईओवर, ये ही है मुंबई एक्सप्रेसवे। तो यहां से मैं लेफ़्ट ले लेता हूं और सीधा इसी रास्ते से जाऊँगा आगे तक भी। देखते हैं कैसा रास्ता है, कितना ट्रैफिक मिलता है। अभी आप देखो ऊपर जो देख रहे हो आप, ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नीचे से कितना शानदार रास्ता बन चुका है। अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि ये रास्ता कैसे है और कहां तक है, और एक्सप्रेसवे में अगर मुझे चढ़ना हो चढ़ भी सकते हैं या नहीं, ये भी नहीं पता है रास्ता है या नहीं है, आगे चल के देखते हैं। अभी मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, मैंने जैकेट पहन रखा है। 2-3 दिन पहले निकाला था मैंने बाइक को तो जैकेट पहना नहीं था, तो बहुत ठंड लग रहा था, तो इसलिए मैंने आज जैकेट पहन लिया है। तो आगे चल के देखते हैं। ये फरीदाबाद बाईपास है और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, दाया बाया बहुत अच्छा बना दिया है। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इस तरफ आए हुए, तो आगे चलते हैं, जितना जा सकते हैं जाएँगे। अभी 7:15 है तो 20-25 मिनट सीधा चलेंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो गाइस अभी आप देखो ये है मुंबई एक्सप्रेसवे, अभी तक चालू नहीं हुआ है। मैंने सोचा था कि ये चालू हो गया होगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी काम बाकी है, पूरा काम हुआ नहीं है। और मुझे कहीं से भी रास्ता नहीं मिला कि मैं चढ़ सकूँ, सब जगह पर बंद कर रखा है क्योंकि अभी तक चालू नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये बंद कर रखा है। तो ये बल्लभगढ़ में आ गया हूँ, पता नहीं बहुत टाइम हो गया है इसको, अब तक तो चालू हो जाना चाहिए। इसके आगे जो है बिल्कुल बढ़िया से चालू हो चुका है और बहुत मस्त चल रहे हैं। और यहाँ पे भी रास्ता जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बंद है, आगे से जा सकते हैं कि नहीं। हाँ जा सकते हैं, बाइक वाले तो आराम से जा रहे हैं, कुछ गाड़ी उल्टा भी आ रहे हैं। यही दिक्कत है कि रास्ता बंद कर रखते हैं लेकिन गाड़ी फिर भी आ जाते हैं, उल्टा आ जाते हैं और इसी की वजह से एक्सीडेंट होता है। तो गाइस पीछे आप लोगों ने देखा वो डाइवर्शन था, मतलब कि यहाँ से अभी गाड़ी वगैरह तो अलाउड नहीं है लेकिन एक गाड़ी फिर भी मेरे ख्याल से पीछे से आ रहा है और ऑटो वगैरह भी चल रहे हैं। यहाँ देखो अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ काम अभी बचा हुआ है। तो यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं और ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी आना नहीं चाहिए था, वहाँ से डाइवर्शन कर रखा था, बंद कर रखा था लेकिन फिर भी लेके गए। अब मैं
थोड़ा यहाँ से दो रास्ता है, पता नहीं कहाँ से क्या जा रहा है, कौन सा जा रहा है, देखता हूँ यहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये तो अलवर वाला रास्ता है, थोड़ा सा आगे खींच देता हूँ मैं, देखता हूँ। और यहाँ से मेरे ख्याल से रास्ता बहुत बढ़िया बन चुका है, और बाइक वालों के लिए तो मुझे लगता नहीं है कि ये रास्ता होगा, लेकिन बाइक वाले, कुछ कुछ बाइक वाले तो जा रहे हैं, तो मैं भी देखता हूँ कहाँ तक मैं जा सकता हूँ और आगे से घुमा लूँगा। तो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, आपने देखा कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक मैं कवर कर चुका हूँ, मतलब 15-20 किलोमीटर आगे तक भी है। तो मेरे घर से 15 किलोमीटर के आसपास जो है ये चालू नहीं हुआ है, एक बार चालू हो जाएगा तो आप देखो 91 किलोमीटर अलवर दिखा रहा है। तो बाइक वाले तो जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा, मैं आगे से घूम लूँगा, क्योंकि आगे का पता नहीं है, क्योंकि नीचे जो रास्ता है वो है बाईपास का, और आगे से घुमा के फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो गाइस अभी मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में हूँ, और यहाँ से तो मैं गाड़ी तो चलाया लेकिन पहली बार बाइक चला रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि अभी टाइम जो है सुबह का टाइम है, और अभी पीछे जो रास्ता चालू नहीं हुआ है जिसकी वजह से कट मुझे मिल गया, तो मैंने बाइक चढ़ा दिया, लेकिन वैसे बाइक अलाउड तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, आगे जाके अलाउड नहीं होगा, बंद कर देंगे। तो अभी तक चालू नहीं हुआ है तो थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं, ये मज़ा बार बार नहीं मिलेगा। देखो उल्टे तरफ से भी बाइक आ रहे हैं, तो ये मज़ा बार बार नहीं मिलेगा। लेफ़्ट साइड को एक्चुअली बाइक वाले का रास्ता है, और ये जो रास्ता है बहुत ही शानदार रास्ता बनाया हुआ है, अब कट भी नहीं मिल रहा है मुझे, अब मैं पता नहीं कि कौन से कट से मैं यू टर्न लेके आऊँगा। तो आगे से काफ़ी चला लिया मैंने, आगे से जो भी यू टर्न मिलेगा वहाँ से मैं यू टर्न ले लूँगा, और वहाँ से यू टर्न लेके फिर वापस आएंगे। ये रास्ते में गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आएगा, 100-120 का स्पीड लिमिट है, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है, और इनफैक्ट हमेशा खाली रहेगा। हाँ, लेकिन जब ये चालू हो जाएगा तो थोड़ा सा रश भले ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आप मुंबई जा सकते हो नॉन स्टॉप, 12-13 घंटे में आप मुंबई पहुँच सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर पलवल जाना है, आगरा जाना है, तो यहाँ से लेफ़्ट, और मैं यहीं से लेफ़्ट ले लेता हूँ, क्योंकि आगे पता नहीं है कि मुझे कहाँ तक जाना है, तो क्योंकि आगे रास्ता हो सकता है बंद हो, तो यहाँ से यू टर्न लेके आ जाऊँगा मैं, ज़्यादा नहीं जाना है मुझे। कल देखेंगे, यहाँ से सुबह सुबह निकल जाएंगे, कल वहाँ से रास्ता मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। देखो यहाँ से लेफ़्ट को अगर आप जा रहे हो तो आप पलवल जाओगे, बल्लभगढ़ जाओगे और आगरा जाओगे, तो थोड़ा सा रास्ता तो कंफ्यूजिंग है। यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ और देखता हूँ यू टर्न लेके कैसे जाते हैं। यू टर्न रास्ता तो होगा या कहीं और जा रहा है, ये नहीं है, यू टर्न तो है, यू टर्न है या नहीं है। हाँ, आगे जाके ये पक्का मिलेगा, ये देखो यहाँ से बंद कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आगे जाके यू टर्न ले लूँगा। जो सामने आप देख रहे हो मुझे लग रहा है वही रास्ता है जो आगरा की तरफ जाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने सही पकड़ा है, तो यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ, और यू टर्न लेके फिर चढ़ जाएंगे ऊपर, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। करेक्ट, पलवल जाएगा ये, तो यू टर्न ले लिया मैंने, और सूरज देवता भी जाग गए हैं। तो आज मैंने गोप्रो का थोड़ा सा सेटिंग चेंज किया है, देखते हैं आज के आप लोग को सही तरीके से दिखाई देता है कि नहीं। पिछले दो ब्लॉग में बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो आज मैंने थोड़ा सा सेटिंग तो चेंज किया है, आप देखते हैं कि आप लोग को कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, और आगे जाके मेरे ख्याल से ये कनेक्ट कर जाएगा मुंबई एक्सप्रेसवे में,
तो ये आगरा से अगर आप आते हो तो यहीं से कनेक्ट होता है। और आप देखो फरीदाबाद जाने के लिए राइट है, नोएडा के लिए राइट है, KMP एक्सप्रेसवे है। तो चलो यहीं से निकाल लेते हैं और यहाँ रोक के मैं थोड़ा सा अभी मोड चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ना अर्बन मोड में चला रहा था, तो थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स मोड में चला के देखता हूँ। हालांकि मेरे को मना तो किया था, लेकिन खुजली हो रहा है मेरे को कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड में चला के देखूँ कि कैसा चलता है। गाइज मैं हूँ मुंबई एक्सप्रेसवे में और सामने एकदम आप देख सकते हो सूरज निकल चुका है और मैं 80-90 के आसपास क्रूज कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने स्पोर्ट मोड में लगा दिया है, मेरे को मना किया था स्पोर्ट मोड में नहीं चलाने के लिए, लेकिन मैं चला रहा हूँ क्योंकि मन कर रहा है, खुजली हो रही है। तो बस एक दो मिनट के लिए ही चलाऊँगा, उसके बाद नहीं चलाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो डाइवर्शन है और यहाँ से रास्ता थोड़ा सा मुड़ जा रहा है, तो मैं तो सीधा ही चला जाता हूँ अभी। और यहाँ पे थोड़ा सा ख़तरा हो सकता है, क्योंकि ये आगे जो है मुंबई एक्सप्रेसवे कम्प्लीटली बना नहीं है, तो उल्टे तरफ से भी रास्ता आते हैं, तो काफ़ी डेंजरस होता है। अभी आप देखो यहाँ से डाइवर्शन किया हुआ है, तो ये बना नहीं है ना एक्चुअली, ये जगह ही नहीं बना है, बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है। पता नहीं इसको क्यों नहीं बना रहे हैं, इसको क्यों रोक के रखे हुए हैं। और यहाँ से इन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, ठीक है। अब आगे से रास्ता है या नहीं है ये तो पता नहीं है, क्योंकि रास्ता बना नहीं है। हाँ, बंद कर रखा है यहाँ से, तो यहीं से जाना पड़ेगा। ये बाईपास है बेसिकली, फरीदाबाद बाईपास रास्ता है। ये देखो मैं आपको कह रहा था ना, थोड़ा सा अगर आपका नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि उल्टे तरफ से ये ट्रक आ रहे हैं, बाइक आ रहे हैं, गाड़ी आते हैं और इसी की वजह से एक्सीडेंट होता है। एक गुड़गांव में भी कुछ दिन पहले एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, एक बाइकर ख़त्म ही हो गए थे ऑन द स्पॉट, क्योंकि उल्टे तरफ से गाड़ी आ रहे थे। और यहाँ पर भी आप देखो बहुत सारे गाड़ी, और यहाँ पर भी देखो ओवरटेक कर रहे हैं, एक तो उल्टी तरफ से आ रहे हैं, ऊपर से ओवरटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। और ये बाईपास रास्ता है, आगे जो है ये रास्ता अभी आगे अभी तक बना नहीं है, तो मुझे यहीं से जाना पड़ेगा। अब मुझे लगता नहीं कि आगे जाके कहीं से कनेक्शन होगा या नहीं होगा। एनीवे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मैं 8 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। लेफ़्ट को जाएँगे तो बल्लभगढ़ है और सीधा जाएंगे तो फरीदाबाद, तो सीधा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से और कोई कट मुझे दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल जो है मैंने स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा चला लिया है, ये स्पोर्ट मोड में मैंने चलाया है एक्सप्रेसवे में, तो अभी सामने जाके रोकते हैं और इसको अर्बन मोड में फिर से कर लेते हैं। तो गाइज मैंने फिर से ना इसको अर्बन मोड में कर लिया है, अभी तक मैंने जो चलाया है वो है 26 किलोमीटर, 32 मिनट टोटल ट्रैवल टाइम, तो पूरा सारा चीज़ दिखाता है। टॉप स्पीड 108 तक मैं गया हूँ और एवरेज माइलेज जो है 35 का है। तो फिर से मैंने इसको अर्बन मोड में कर लिया है और इसका फर्स्ट सर्विसिंग तक अर्बन मोड में ही चलाएँगे। और स्पोर्ट्स मोड में चलाने का मज़ा तो बहुत आ गया है, लेकिन जब तक सर्विसिंग नहीं हो जाता है पहला वाला, तब तक इसको नहीं चलाएंगे। और ऊपर चलाने का मज़ा आ गया, अब फिर से वही बाईपास वाले रास्ते से जाना है मुझे, लेकिन ये रास्ता भी बहुत अच्छा कर दिया है। आप देख सकते हो पहले बहुत टूटा फूटा था, लेकिन अब बहुत अच्छा कर दिया है। थोड़ा सा ट्रैफिक तो मिलता है, मतलब ट्रैफिक मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो क्रॉसिंग होता है ना, ये थोड़ा सा काफ़ी डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए ठीक से चलाना पड़ेगा यहाँ पे। ए बाबा बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है, अरे गाय भी क्रॉस कर रहा है और गाड़ी भी, ये देखो, अरे वाह, गाय भी पूरा ज़ेब्रा क्रॉसिंग में ही चल रहा है, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई साहब। और यहाँ थोड़ा सा आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते हैं। फ़िलहाल टाइम जो हो रहा है 7:40,
मज़ा आ गया भाई साहब आज बाइक चलाने में, और बहुत टाइम से शौक था कि एक स्पोर्ट्स बाइक चलाए। हालांकि ये पोस्चर थोड़ा सा एग्रेसिव है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, तो आप इसको चला सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चला पाओगे, तो क्योंकि हाथ में पीठ में दर्द हो जाएगा। अभी आप देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया है, मुझे लग रहा है लोग काम पे जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस पे जा रहे हैं, और भी तो बहुत सारे काफ़ी बाइक आपको दिखेंगे, गाड़ी दिखेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग को थोड़ा सा मैंने एक्सप्रेस वे भी दिखा दिया, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे बाइक से। आगे जाके कभी बाइक चला पाएंगे या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया, और आप लोग को मज़ा आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो गाइज़ मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूं, और अभी आप ये अगर कंसोल देखोगे तो यहां पे पूरा ट्रिप का डिटेल्स आपको दिख जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 42.5 किलोमीटर्स, टोटल टाइम ट्रेवल्ड 1 घंटा 1 मिनट 28 सेकेंड, एवरेज स्पीड जो है वो 41 किलोमीटर पर आवर है, टॉप स्पीड मैंने 108 लगाया है, एक थोड़ा देर के लिए किया था कुछ सेकंड के लिए। फ्यूल कंज्यूम जो है 1.2 लीटर्स, और एवरेज माइलेज जो है 34 किलोमीटर पर आवर। फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है 8:10, मैं 8:07:03 में घर से निकला था, तो पूरा 1 घंटा मैंने चलाया है। 1 घंटा में मैंने डिस्टेंस कवर किया है 43 किलोमीटर्स। सो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आज का मेरा जर्नी का पूरा डिटेल्स ये था।